मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर में बाढ़ से हुई तबाही और प्रभावितों को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर शनिवार को धरना दिया। उन्होंने दिन में राज्य की कमलनाथ सरकार पर जमकर हमले बोले और शाम को भजन मंडली के साथ भजन भी गाए, जिस पर कांग्रेस ने शिवराज के धरने को नौटंकी करार दिया। नंबर 17, शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर और नीमच के बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को लेकर शनिवार को मंदसौर में धरना दिया। इस दौरान चौहान ने पीड़ितों की समस्या और राज्य सरकार के रवैये की जमकर आलोचना की। देर शाम को धरना स्थल पर ही भजन मंडली का कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर चौहान भी भजन गाने से नहीं चुके। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा नेता नोट न्योछावर भी कर रहे हैं। इस वीडियो को पूर्व मंत्री सुभाष कुमार सोजितिया ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, पिछले दिनों मंदसौर व नीमच जिले के हजारों लोग बेघर और बर्बाद हुए। दिन भर उनके हक की लड़ाई की बात करने वाले नौटंकीबाज बाढ़ पीड़ितों के नाम पर पैसे लूट रहे हैं, नाच गाने एवं कव्वालियों का आनंद ले रहे हैं। सांसद मंदसौर सुधीर गुप्ता एवं अन्य ने भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान पर रुपए लुटाए। वहीं सांसद सुधीर गुप्ता का कहना है कि कांग्रेस सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए तरह तरह के प्रतंड अपना रही है, इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। पे सुभाष सोस्या ने एक वीडियो डाला और उसको लेके कमेंट किया है कि शाम को शिवराज जी ने भजन संध्या नहीं धूमधाम से आयोजन किया और नोट उड़ाने जैसी बात कही, आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत ही स्पष्ट है कि धरना आंदोलन के बाद रात्रि को भजन का कार्यक्रम था और जन्मांध श्री मांगीलाल जी अति वृद्ध हैं और जिस तरीके से क्लासिक संगीत के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से जैसा स्वर और जैसी साधना उनकी थी, जिस तरीके से उन्होंने हारमोनियम पर ही अपना नियंत्रण नहीं बल्कि स्वरों को भी साधा है, तो मैं समझता हूँ श्री मांगीलाल जी एक व्यक्तित्व के रूप में और हम सबके सामने थे, एक आदर्श स्थिति की जन्मांध व्यक्ति सूरदास होते हुए भी कैसे स्वरों को साध सकते हैं, और इसीलिए हमने उनकी साधना पर प्रसन्न होकर पुरस्कार रूप में, चूँकि मालवा में एक अपनी परंपरा है कि ऐसे साधकों को पुरस्कृत किया जाता है और इसीलिए पुरस्कार रूप में हमने उन्हें जो दिया है, चूँकि वो तो जन्मांध हैं, सूरदास हैं, पर जो देखने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि इस भीषण त्रासदी में जिस तरीके से क्षेत्र पूरा का पूरा भयाक्रांत है और जिस तरीके से कांग्रेस में दिग्विजय सिंह हो कि सुभाष सोस्तिया हो कि इनके जितने आका मौला हैं, ये जिस मूड मार्ड में हैं कि जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है, हम तो धरना प्रदर्शन करके भक्ति के माध्यम से, गीतों के माध्यम से और इस सोई हुई सरकार को जागृत करने का काम कर रहे हैं। बहरहाल बाढ़ पीड़ितों और किसानों को लेकर प्रदेश में जमकर राजनीति की जा रही है। वहीं प्रकृति की मार झेल रहा किसान मदद के लिए शासन प्रशासन पर टकटकी लगाए बैठा हुआ है। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।